फ्रेंड्स, ये जो REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड शेयर है, इस शेयर का पोजीशन अभी क्या है? अगर आप चाहते हो फ्रेश परचेस करना तो किस लेवल से आप कर सकते हो और टारगेट प्राइस क्या हो सकता है, सारा कुछ मैं यहाँ पर इस वीडियो में दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो आज है यहाँ पर 23rd September, तो आज का ट्रेडिंग सेशन में ये जो शेयर है 542.40 इसी लेवल पे है। आज का ट्रेडिंग सेशन में 2.5 पॉइंट आप गया। चलो इस शेयर को पहले यहाँ पर फंडामेंटल एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश करता हूँ। चलो यहाँ पर जो फंडामेंटल है, तो फंडामेंटल में फर्स्ट मुझे देखना होगा इसका मार्केट कैप। मार्केट कैप लगभग सही है, उसके साथ साथ पी रेशियो। कोई भी शेयर का पी रेशियो अगर 10 है या 10 से नीचे है तो आप उस शेयर को परचेस कर सकते हो। एक लेवल पूरी तरह से अपर चला गया परचेस करने के लिए। इसके साथ साथ भी बहुत कुछ आपको देखना पड़ता है कोई भी शेयर को परचेस करने के लिए, मगर पी रेशियो 10 या 10 से नीचे है तो अच्छा है। उसके साथ साथ डेप्थ ऑफ इक्विटी देखो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, आप देख सकते हो यहाँ पर 1/1 से नीचे हुआ तो अच्छा होता है। उसके साथ साथ ROE और EPS लगभग सही है इस शेयर का, और फेस वैल्यू 10 है, किसी भी टाइम ये स्प्लिट हो सकता है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करता हूँ इसका जो होल्डिंग्स है। फर्स्ट में यहाँ पर टाइम बेसिस दिखाने का कोशिश करता हूँ, प्रोमोटर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, रिटेलर्स एंड अदर्स, ठीक है, 52, 21, 13। चलो यहाँ पर मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ टाइम के साथ साथ। इसका जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग है ना, ये 1% भी नहीं हिला टाइम के साथ साथ। उसके साथ साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा कम हो गया था, मगर यहाँ पर जून 2024 में इंक्रीज हो रहा है। इसके जो रिटेलर एंड अदर्स है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो गया टाइम के साथ साथ। इसके साथ साथ इस शेयर का मैं यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट पे आ गया। मैं अब यहाँ पर दिखाने का कोशिश करता हूँ, ये जो शेयर है ये देख के आपको कुछ समझ नहीं आएगा, पहले मुझे कुछ इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करना होगा, उसके बाद ही आपको समझ आ जाएगा। चलो मैं यहाँ पर ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इस शेयर में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ड्रॉ किया, उसके साथ साथ एक ट्रेंड लाइन भी है। बहुत बार इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए ये शेयर ऊपर निकल गया, और अभी इस शेयर का जो पोजीशन है एक सपोर्ट लेवल पे है। आप देख सकते हो ये जो सपोर्ट है 531 इसी सपोर्ट लेवल पे है। चलो यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करता हूँ, ये जो सपोर्ट लेवल है इसको ब्रेक कर दिया था मगर स्टे नहीं हो पाया, और आज का ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हो इस सपोर्ट लेवल का ऊपर ही है मगर एक इनडिसिजन कैंडल क्रिएट किया। आज का मैं यहाँ पर डे टाइम फ्रेम में दिखाने का कोशिश करता हूँ, आज पूरी तरह से एक इनडिसिजन कैंडल पूरी तरह से क्रिएट किया। तो इसके साथ और इस सपोर्ट लेवल से ये जो शेयर है पूरी तरह से अपर जाने वाला है। यहाँ पर 654 इसका जो पहले का लेवल है, इस लेवल को अगर ये ब्रेक करके स्टे होता है तो ही ये शेयर पूरी तरह से एक अपर सर्किट आप देख सकते हो। अगर इसको ब्रेक नहीं करता है ना तो फिर से ये 531 इसी लेवल पे एक बार आ सकता है, उसके बाद 100% आप इस शेयर पे एक अपर सर्किट देख सकते हो। अगर आप इस शेयर को पीक में परचेस किया तो इस लेवल पे आप उसको एवरेज करके चल सकते हो। उसके साथ साथ हो सकता है कि आप बहुत पहले इस शेयर को परचेस किया तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं, आप होल्ड कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो इस शेयर को फ्रेश परचेस करना तो ये जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पर आप फ्रेश परचेस कर सकते हो। अभी यहाँ पर 654 ए लेवल पे जाने वाला है, अगर इस लेवल को 1 डे टाइम फ्रेम में पूरी तरह से ब्रेक करके स्टे हो जाता है तो ही आप इस शेयर में एक अपर सर्किट देख सकते हो। उसके साथ साथ कितना अपर मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। आप उसके साथ साथ 778 ये जो अपर लेवल है इसको आप देख सकते हो कुछ ही दिन में। अगर 1 डे टाइम फ्रेम में 654 इस लेवल को ब्रेक करके स्टे हो जाता है तो ही आप यहाँ पर 778 इस लेवल को आप देख सकते हो, एक बार टच जरूर करेगा। सो अच्छा, चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नया वाला वीडियो में। तो टुडेज़ ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।